लेकिन आज वो मुर्गा स्वामी जी का पूरा अंदर का अंदर जो मन है वो बाहर आया। अगर वो रहे तो उनको जेल में डालो, अगर नहीं रहे तो छोड़ो, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप? या ऐसे कैसे गवर्नमेंट है ये? इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया, पहले ही आप बोल रहे कि उन्होंने नहीं कराया होगा। या माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा और प्रेजेंट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई स्वामी जी को मत और दूसरा चार लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। साहब आज कर्नाटक की राज्य दलित संघर्ष समिति डिस्ट्रिक्ट कमेटी की वजह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आज ये हम गांधी पुतली की गांधी पुतली के पास एक धरना और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा कर्नाटक में चित्रदुर्ग का स्वामी जी जो है मुर्गा शरण बोल के, वो बहुत फेमस स्वामी जी, लेकिन आज क्या हो गए उसके बारे में, वो इतना फेमस थे, हम सब लोग उनको मानते थे और रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज वो मुर्गा स्वामी जी का पूरा अंदर का अंदर जो मन है वो बाहर आया, क्योंकि उनका हॉस्टल में पढ़ने वाली उनका स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट करे, और वो साबित भी हो गए। अभी वीडियो आया, वो लड़कियां कंप्लेंट दिया, डीसी के पास कंप्लेंट दिया, डीसी कंप्लेंट लिया और उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। ये कैसा सरकार है? गरीब को एक न्याय बोले तो गरीब को एक न्याय और अमीर को एक ये गलत होता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी है पहले उनको अरेस्ट करो, फोस्को केस में अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के बाद अगर वो रहे तो उनको जेल में डालो, अगर नहीं रहे तो छोड़ो, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप? या ऐसे कैसे गवर्नमेंट है ये? पूछने वाला कोई नहीं है उसको। वो होम मिनिस्टर बोलता ऐसा नहीं करे होगा, अरे आपको कैसा मालूम होम मिनिस्टर को वो ऐसा नहीं करे बोल के, उसको कैसा मालूम होता होम मिनिस्टर को वो करे क्या नहीं करे? वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मालूम होता, इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, पहले ही आप बोल रहे कि उन्होंने नहीं करा होगा, आपको कैसा मालूम? पहले अरेस्ट करो, केस बनाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करो, अगर रहे तो जेल में डालो, नहीं रहे तो छोड़ दो। ये हमारा DSS की तरफ से ये हमारा मूवमेंट है। DG सागर हमारा स्टेट कन्वीनर है, उसकी नेतृत्व में बोले तो उसकी लीड में हम ये गुलबर्गा में ये धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर अरेस्ट नहीं करे तो पूरा हमारा सागर साहब का राय लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट हर एक तालुका में हम प्रोटेस्ट करते गवर्नमेंट का अगेंस्ट। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश आदिमिनी, DSS के डिस्ट्रिक्ट लीडर गुलबर्गा। आज कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जो चित्रदुर्ग में जो विद्यार्थिनी है, जो दो लोग है उसमें एक SC है, उसका ऊपर ये लैंगिक का जो माँ मुर्गा शरण से और वो दूसरा चार लोगों कुमुख से जो हो गए है उसका मुर्गा शरण और दो और चार आरोपी का ऊपर जो पोक्सो कायदे का और अट्रासिटी एक्ट का जो कानून है उस हिसाब से FIR हो गए है। FIR होने के बाद 24 आवर्स में वो आरोपी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बोले तो यहाँ माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा और प्रेजेंट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दूसरा अर्घ ज्ञानेंद्र गृह सचिव, ये तीनों लोग आरोपी का तरफ से ये जो समाज में जो मीडिया में उसका वकालत कर रहे हैं,
ये विद्यार्थिनी को कैसा न्याय मिलेगा, ये बहुत अजीब का बात है, इसको खंडन करते हैं। इसीलिए जो भी आरोपी है उसका कायदे से इमीडिएट जो है ना वो स्वामी जी को मत और दूसरा चार लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। उसको वो विद्यार्थिनी जो लोग है उसको अच्छा तरफ से पुलिस बंदोबस्त, उसको पेरेंट्स को, उसको वो लड़की को देना चाहिए बोल के ये पूरा जो घटना है ना वो खंडन करके आज कर्नाटक राज्य में बहुत जिले में और कर्नाटक राज्य में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ये महात्मा गांधी स्टैचू का सामने गुलबर्गा जिला शाखे का तरफ से ये धरनी कर रहे हैं। ये धरनी में हम प्रमुख जिला मुखंड सुरेश आदिमनि, जिला मुखंड कृष्णप्प कर्णिक, जिला मुखंड रेवण सिद्धप्प जाली, जिला मुखंड और शंकर एच शंकर और हमारा जो मार्गदर्शक है एसपी सोलद और दलित कला मंडली का जो कन्वीनर है अंबरनाथ जीवणगी, जो सिटी जो मुखंड लीडर है वो राजू शंका, हम तालुका ये माधव तरनाली और सभी लोग शरणप्प जेवर्गी सभी तालुका पदाधिकारी एक्टिव कार्यकर्ता से ये धरनी चल रहे। ये धरनी का होने के बाद 3:30 को हम मुख्यमंत्री का जो लेटर लिखे है वो मुख्यमंत्री से वो जिला अधिकारी से भेजने का है। अगर ये न्याय नहीं मिले तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम एजिटेशन करने का तैयार है बोल के ये कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के वादा है। और हमारा नाम डॉक्टर डी जी सागर, स्टेट कन्वीनर, कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति।